कुकरकुंड एक्सप्रेस है, मेरे प्यारे से गांव का नाम है कुकरकुंड। अभी एग्रो में 200-300 डब्बे मुझे डालने हैं, बाकी माल और किसी स्टोर में डालना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम है आप सब दोस्तों को एक और नई सुबह के साथ, और आपके चैनल पे वेलकम भी करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, रात को मैं घर आया था, तो अभी जस्ट मुझे लासीपुरा से फ़ोन आ गया, मुझे लोडिंग पॉइंट पर जाना है। तो अभी ज़ुबैर भाई की गाड़ी घर में ही थी, मैंने सोचा आज ज़ुबैर भाई के साथ ही जाएंगे लासीपुरा तक, क्योंकि 2-3 बार गाड़ी चेंज करनी पड़ती है लासीपुरा तक। ये डायरेक्ट लासीपुरा जाएगा तो मैं भी इसी के साथ जाऊंगा। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो दावीर से, तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो दिखाऊँगा मैं आपको सुहेल भाई की गाड़ी अच्छी तरीके से, तो पूरा देखना भाई लोग, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो अभी जो है ज़ुबैर भाई वाटर और मोबाइल चेक करेगा पहले। तो यह है अपने जिगर सुहेल भाई की गाड़ी, ये आप चेक कर सकते हो। तो केबिन भी देख सकते हो इसकी, तो एक नंबर केबिन बना के रखी है इसको। तो अभी चढ़ूंगा गाड़ी में, अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। पहले गाड़ी को बाहर से आप अच्छी तरीके से देख लो, ये आप चेक कर सकते हो। पीछे से डाला कश्मीर कार्गो लिखा हुआ है, कुकरकुंड एक्सप्रेस है, मेरे प्यारे से गाँव का नाम है कुकरकुंड एक्सप्रेस। और बाबा जानी सुहेल का कोड नाम है, तो सुहेल भाई का कोड नाम है बाबा जानी, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये आप फ्रंट साइड देख सकते हो, बाबा जानी का गाड़ी का नाम है बाबा जानी, वो आप चेक कर सकते हो। मूछ पे लगा हुआ है बाबा जानी, यह फ्रंट साइड गाड़ी का। तो अभी अपने गांव में ही चल रहा हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हो, मेरा प्यारा सा गांव, ये आप चेक कर सकते हो भाई लोग। ये ज़ुबैर भाई अभी ड्राइव कर रहा है, अपने गांव में जो है रास्ता तंग है, चलो फिर भी हम निकाल लेते हैं गाड़ी। हम तो राइडर हैं, हम तो कहीं से भी निकल सकते हैं। तो आगे मेरे गांव में प्यारा सा मस्जिद शरीफ भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। मस्जिद शरीफ माशाल्लाह, कितना प्यारा और खूबसूरत मस्जिद शरीफ है, ये आप चेक कर सकते हो भाई लोग। यह भाई लोग अपने यारीपोरा का मार्केट, ये आप चेक कर सकते हो। अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर खाली ये मार्केट है। बस अभी भाई लोग अपना सफ़र भी कंटिन्यू है, पहले दराजपुरा की। और आपको पता ही है मेरी गाड़ी जो है वो दराजपुरा में है सर्विस स्टेशन पे, तो उधर से मैं अपनी गाड़ी को उठाऊंगा, मुझे लासीपुरा में लोड करना है। आगे आगे आपसे भी लोकेशन शेयर करते जाऊंगा भाई लोग। अभी अपना सफ़र रहेगा दराजपुरा तक कंटिन्यू, मैं मिलूँगा अपने लैला भाई के पास, आपको लैला भाई का नज़ारा पूरा दिखाएँगे। उसको एक नंबर सर्विस करके रखी है मैंने आज। तो भाई लोग ये रही अपनी लैला भाई, पहुंच गए मैं दराजपुरा में सर्विस स्टेशन के पास। तो यह अपने जिगर ज़ुबैर भाई की गाड़ी, तो आप इसको भी लोड करने ही जाना है, मुझे भी लोड करने ही जाना है, अब इकट्ठे इकट्ठे जाएंगे हम। तो यह देख सकते हो क्या चक्कास गाड़ी लग रही है आज। जाओ ज़ुबैर भाई, रब के हवाले से मैं भी अभी आऊँगा कुकरकुंड एक्सप्रेस। हो गया मैं एंटर लासीपुरा यार्ड में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया रही सुहेल भाई की गाड़ी कुकरकुंड एक्सप्रेस। तो अपनी लैला भाई उससे आगे मैंने पार्क करके रखी है, तो अभी डिमांड आ जाएगी, देखेगी किस स्टोर में हमको लोड करना पड़ेगा। फॉर्म भी लाना है भाई लोग मुझे, अभी आपसे भी नज़ारा शेयर कर लेते हैं। जो है तुम्हारा भाई होम के स्टोर में, इधर फॉर्म उठाएँगे, पहले 5 शीट फोम उठाने इधर पे। ये देख सकते हो आप लोग फोम कितना लगा हुआ है यहाँ, इधर फैक्ट्री है, इधर फोम बनता है। तो गाड़ी के लिए मुझे 5 शीट लेने हैं, क्योंकि जो मुझे गाड़ी को साइड में 2 शीट लगेंगे, ऊपर 1 शीट और नीचे 1 शीट, और 1 शीट फालतू लेके रखेंगे क्योंकि उधर लगता है फिर किसी काम में। आपसे आपको पता ही है ऑलरेडी स्टोर माल को फोम डालना पड़ता है। अभी उठाते हैं भाई लोग यहाँ से फोम, और वो रखते हैं अपनी गाड़ी में। अहमदाबाद की डिमांड मिल गई मुझे आज, अहमदाबाद मुझे माल भरना है। फॉर्म भर दिया मैंने गाड़ी में भाई लोग, अपनी गाड़ी जो है वो बैक जा रही है इस टाइम। उमर भाई इस वक्त ड्राइव कर रहा है खुद ही।
अब शाइन में जो है कैंसिल हो गया मेरा माल। अब हबीब एग्रो में 200-300 डब्बे मुझे डालने हैं, बाकी माल और किसी स्टोर में डालना पड़ेगा। तो अहमदाबाद की डिमांड आ गई मेरे पास, आज अहमदाबाद की ट्रिप लग गई। तो आ गए अंदर हबीब एग्रो में, अपना एक फॉलोवर भी है, उससे भी मिलाएंगे आपको ज़रूर। तो वो छोटा हाथी चलाता है, उससे मैं ज़रूर मिलाऊंगा आपको। बिल्कुल आप लोकेशन देख सकते हो, ये हबीब एग्रो की लोकेशन है। तो ये रही अपनी लैला भाई, इसको मैंने अभी इधर ही खड़ा करके रखा है। अभी एंट्री हो जाएगी हमारी अंदर, तो करेंगे अंदर से हम भी लोड। फाइनली दोस्तों तुम्हारी भाई की एंट्री हो गई हबीब कोल्ड स्टोर में। अभी जो है मुझे करना है पहले इधर ये जो फोम है ये चार्ज शीट मुझे डाल के रखने हैं, अच्छी तरीके से बांध के रखने हैं। और ये भाई मुझे हेल्प करेगा, भाई क्या नाम आपका? सरताज भाई मुझे हेल्प करेगा फोम सेट करने में। इसको फोम सेट करके रखेंगे भाई लोग, फिर बाद में हमारी लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उस टाइम आपसे भी ज़रूर मिलेंगे। तो देख सकते हो भाई लोग पैकिंग किस तरह होती है यहाँ पे मशीन पे, देख सकते हो वॉशिंग भी यहीं पे हो रही है। ये चेक कर सकते हो, ये भाई साहब डब्बा भर रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त डब्बा है, एक नंबर। तो यहाँ से रोल निकल रहा है। ये चेक कर सकते हो, अभी एसी गाड़ी लोड हो रही है, इसके बाद अपनी गाड़ी में लोडिंग हो जाएगी। तो तीन ही लेबर है यहाँ पे, ये अपना भाई है खाली हंसता रहता है। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, पहला पैलेट पहुंच गया गाड़ी में। तो अब इसको खाली सेट करके रखना है, ये देख सकते हो आप लोग तकरीबन 50-60 डब्बे एक पैलेट में आता है। तो अपनी लेलाबाई की जो है लोडिंग वो कंप्लीट हो गई, रसा त्रुपाला भी हमने कर लिया। तो उमर भाई ने आज हेल्प कर लिया मुझे रसा त्रुपाला डालने में, वरना तो आपको पता ही है वो कभी नहीं आता है। तो आज जो है मेरी गाड़ी में जाल बांधना पड़ा, क्योंकि आज माल कम ही था। ये देख सकते हो पीछे का लुक, यह है अपनी लैला भाई का पीछे का लुक, ये आप चेक कर सकते हो भाई लोग। बिल्कुल जाल बंधा हुआ है गाड़ी में, क्योंकि माल कम था इसीलिए हमने जाल बांधा। फिर अगर एक डब्बा हाइट होता फिर कोई टेंशन नहीं था, फिर ऐसे ही हम रसा त्रुपाल डाल लेते। अभी उमर भाई जो है वो गया है हाथ धोने के लिए, मैं भी अब हाथ धोने के लिए जाऊंगा। अब इधर से मैं निकलूँगा वची की, क्योंकि भाई लोग आगे लैंडस्लाइड आया, रात को हम वची में ही बैठेंगे, फिर सुबह कन्फर्म करके हम निकलेंगे इधर से। अभी उमर भाई जो है वो गया है बिल्टी पकड़ने के लिए, वो बिल्टी पकड़ के रखेगा। तो उमर भाई मेरे साथ नहीं आए, उसको गेट के बाहर अपनी छोटी गाड़ी है। तो इधर से मैं निकलूँगा, टाइम हो गया भाई लोग बराबर 10। ये आप चेक कर सकते हो, अभी हाथ भी चेक कर सकते हो आप मेरे कितने काले पड़ गए। अभी हाथ भी धोऊंगा मैं, फिर इधर से निकलेंगे वची की ओर। तो खाना हम वची में ही खाएंगे भाई लोग। तो हो गए हम भाई लोग एग्जिट स्टोर से, तो उमर भाई जो है वो छोटी गाड़ी में आगे आगे चलेगा, मैं इसके पीछे पीछे चलूँगा। क्योंकि आपको पता ही है उमर भाई अभी आया लासीपोरा, उसने मुझे हेल्प किया रसा त्रुपाला डालने में, क्योंकि कानवाई नहीं है। आगे लैंडस्लाइड आया है भाई लोग, रामबंद एरिया में लैंडस्लाइड आया बहुत ही बड़ा है, उसके कारण घर में ही रुकना पड़ेगा एक दो दिन, क्या करें यार। तो इस व्लॉग वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना सभी दोस्त, मिलते हैं आप नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।